खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने नाचने कूदने की कीजिए तैयारी। पूरे 500 सालों के इतिहास के बाद 29 अक्टूबर यानी कि धनतेरस के दिन 5 बड़े दुर्लभ और दिव्य राजयोग बनने जा रहे हैं। और दोस्तों, धनतेरस के तुरंत बाद से ही 5 राशियों पर साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी जी अति प्रसन्न होने वाली है। ये 5 राशि वाले करोड़पति बनने वाले हैं। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं धनतेरस से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण और काम की जानकारी, और साथ ही माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय के ऊपर भी चर्चा करेंगे। ऐसे में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों, धनतेरस का त्योहार धन की देवी माता लक्ष्मी जी और भगवान कुबेर देव की पूजा करने को समर्पित माना गया है। धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से लोग धन, वैभव और समृद्धि की कामना करते हैं, और साथ ही नए कपड़े, गहने, बर्तन, झाड़ू आदि चीजें अपने घर लेकर आते हैं। दोस्तों, इस बार आपको बता दें कि धनतेरस का त्योहार 29 अक्टूबर के दिन मनाया जा रहा है। इस बार धनतेरस पर 500 सालों के बाद 5 बड़े और दिव्य शक्तिशाली महाराजयोग बनने जा रहे हैं, जहां पर सबसे पहला योग बन रहा है लक्ष्मी नारायण राजयोग, दूसरा भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से सस राजयोग, महालक्ष्मी योग, गज केसरी योग और गुरु पुष्य योग बनने से इस बार जो धनतेरस का त्योहार है ना, उसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ चुका है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं धनतेरस के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है वृषभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ई ऊ ए ओ वा वी वू वे और वो से शुरू होता है, उनकी वृषभ राशि होती है। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए इस बार धनतेरस के दिन पूरे 500 सालों के बाद 7वें घर में लक्ष्मी नारायण राज्यों का निर्माण हो रहा है। और दोस्तों, लक्ष्मी नारायण राज्यों के प्रभाव से आप लोगों की किस्मत में अप्रत्याशित रूप से धन का लाभ मिलने वाला है। लंबे समय से जो आपके रुके हुए कार्य थे वो पूरे होंगे, और इसके साथ साथ अपार धन संपत्ति की प्राप्ति भी होगी। उसके अलावा अगर आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी कर्ज है, चाहे बैंक का लोन चल रहा हो या आपने अपनों से, रिश्तेदारों से, जान पहचान वालों से कोई भी पैसा उधार ले रखा हो, इस बार धनतेरस के बाद माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपको कर्ज से भी छुटकारा मिलेगा। अपने कार्य क्षेत्र में चली आ रही समस्याएं धीरे धीरे दूर होगी, और इसके अलावा पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होने वाली है। लंबे समय से जो रुके हुए कार्य थे वो पूर्ण होंगे। व्यापार में भी खूब लाभ मिलने के आसार दिखाई दे रहे हैं। बिजनेस पार्टनर के साथ कुछ अनबन हो सकती है, इसलिए आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है। बाकी जो आपकी आर्थिक स्थिति है वो पहले की तुलना में अब और अच्छी रहने वाली है। इसके साथ ही आपको अच्छा खासा धन का लाभ होगा और धन की बचत करने में भी कामयाब बनेंगे। आपकी लव लाइफ अच्छी रहेगी। जो भी वृषभ राशि वाले लड़का या लड़की, अगर आप कुंवारे हैं, सिंगल है और विवाह योग्य उम्र में आ चुके हैं, अपने लिए अगर आप विवाह की तलाश कर रहे हैं, रिश्ता देख रहे हैं ना, तो इस बार धनतेरस के बाद आपकी जो विवाह की इच्छा है वो पूर्ण होगी। आपको जीवन साथी का लाभ मिलेगा। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से साल 2024 में ही नवंबर और दिसंबर, इन दो महीनों में आपकी विवाह की बातचीत चलना शुरू होगी, और इसी साल 2024 में ही आप लोगों को विवाह से जुड़ी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। बाकी जो भी व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हैं वृषभ राशि वाले, चाहे अपना स्वयं का व्यापार करते हैं या पार्टनरशिप में आप कोई भी कामकाज करते हो, व्यापार में दिन दोगुनी रात चौगुनी गति के साथ तरक्की मिलेगी। आर्थिक रूप से धन का लाभ होगा, धन की बचत भी कर पाएंगे, और इसके साथ ही नौकरी करने वाले लोगों के लिए भी समय किसी भी वरदान से कम नहीं रहने वाला है। वृषभ राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि धनतेरस वाले दिन आप भगवान लक्ष्मी, गणेश जी और कुबेर जी की पूजा करें, और पूजा करने के बाद चावल के 21 दाने आपको गिनकर लेने हैं। ध्यान रखें, चावल के दानों में कोई भी दाना टूटा या फिर फटा हुआ कटा हुआ नहीं होना चाहिए। इन चावल के दानों को लाल रंग के कपड़े में लपेट कर रात को अपनी तिजोरी या फिर धन रखने वाली अलमारी में रख दें। ऐसा करने से आपके घर की जो आर्थिक तंगी है वो दूर होगी, और आप लोगों को संपन्नता, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति रहेगी। चलिए बात कर लेते हैं धनतेरस के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं।
क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? कब आपके जीवन में अच्छे दिनों की शुरुआत होगी? नौकरी या व्यापार किस में आपको ज्यादा तरक्की, ज्यादा सफलता प्राप्त होगी? कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा? आपके लिए भाग्यशाली रत्न या रुद्राक्ष कौन सा है, उसको धारण करने की विधि क्या है? आपकी कुंडली में कितने राजयोग बनते हैं? आपको कर्ज से छुटकारा कब मिलेगा? विवाह का योग कब तक बनेगा? आप बहुत जगहों पर रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है। क्या आपकी कुंडली में काल सर्प दोष, पितृ दोष, मांगलिक दोष जैसा कोई मारक योग तो नहीं, जिसकी वजह से लगातार आपके जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हो? या दोस्तों शनिदेव की साढ़े साथी तो नहीं चल रही है? आपकी कुंडली में शनि, राहु, केतु या कोई भी अमंगल ग्रह की दशा तो नहीं, महादशा तो नहीं, जिसकी वजह से जीवन में लगातार परेशानियां बनी हुई रहती? अगर कुछ भी समस्या है तो अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं धनतेरस के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है सिंह राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर मा मी मू मे मो टा टी टू और टे से शुरू होता है, उनकी सिंह राशि होती है। सिंह राशि वाले लोगों के लिए इस बार धनतेरस पर जो ये लक्ष्मी नारायण राजयोग बन रहा है ना, यह आपके चौथे घर में बनने जा रहा है। ऐसे में आप लोगों के जीवन में खुशियां ही खुशियां प्राप्त होगी, आपकी सुख सुविधाएं बढ़ेगी और इसके साथ ही संपत्ति, वाहन आदि की आप खरीदारी कर सकते हैं। करियर के क्षेत्र में आपको जबरदस्त रूप से तरक्की मिलेगी। अगर आप नौकरी करते हैं या प्राइवेट जॉब करते हैं तो दोस्तों धनतेरस के आसपास आपके जो बॉस, आपके वरिष्ठ अधिकारी है, उनके साथ आपका कोऑपरेशन अच्छा रहेगा। नौकरी में भी आपको नए अवसर मिलेंगे। आप जो कोई भी कार्य करेंगे ना, उसमें आपकी तारीफ होगी और साथ ही आप लोग खुश नजर आएंगे। व्यापार में भी आपको शानदार लाभ मिलने वाला है। आपके द्वारा की गई मेहनत अब धीरे धीरे दिखाई देगी और इसके साथ ही जो भी आपके व्यापारी कॉम्पिटिटर्स है, प्रतिस्पर्धी है ना, उनको आप कड़ी टक्कर दे सकते हैं। आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो पहले की तुलना में अब धनतेरस के बाद और अच्छी और मजबूत बनने वाली है। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि धनतेरस की शाम को धन में बढ़ोतरी के लिए 13 दीपक जलाने हैं और घर के सभी कोनों में रख दें। उसके बाद आधी रात को प्रत्येक कोने में एक एक कोड़ी रखनी है। माना जाता है कि ऐसा करने से आपके धन में अचानक से बढ़ोतरी होती है और जीवन से जुड़ी सभी समस्याओं, सभी परेशानियों से छुटकारा मिलता है। चलिए बात कर लेते हैं धनतेरस के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है तुला राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर रा री रू रे रो ता ती तू और ते से शुरू होता है, उनकी तुला राशि होती है। दोस्तों सबसे पहले तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जी जरूर लिखिएगा, जिससे धन की देवी माता लक्ष्मी जी आपके ऊपर प्रसन्न रहे और आपके घर को धन धान्य के भंडार से भर दें। और हाँ मित्रों, माता लक्ष्मी जी के अपडेट से जुड़े इस वीडियो को फेसबुक पर भी शेयर कर दीजिएगा ताकि हर एक व्यक्ति तक यह काम का अपडेट पहुँच पाए। दोस्तों तुला राशि वाले लोगों के लिए इस बार जो धनतेरस पर लक्ष्मी नारायण राजयोग बन रहा है, यह आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और लाभकारी सिद्ध होने वाला है। इस धनतेरस के बाद तुला राशि वाले लोगों के जीवन में खुशियां ही खुशियां बनी रहेगी। लंबे समय से जो आपके रुके हुए या अटके हुए कार्य है वो पूर्ण होंगे और उसके अलावा धन धान्य में बढ़ोतरी होगी। दोस्तों तुला राशि में ये जो लक्ष्मी नारायण राजयोग है ना, ये आपके दूसरे घर में बन रहा है। ऐसे में आप लोगों को अपने भाग्य का यानी कि अपनी किस्मत का भी पूरा साथ मिलेगा। विदेश में नौकरी करने के आपको कई अच्छे और बड़े अवसर मिलेंगे। विदेश जाने का सपना पूर्ण होगा। व्यापार में भी आपको लाभ मिलने वाला है। जीवन में खुशियों की दस्तक होगी। परिवार के साथ आप लोग अच्छा समय बिता पाएंगे। कुल मिलाकर इस बार धनतेरस के बाद तुला राशि वाले लोगों के जीवन में मंगल ही मंगल होने वाला है। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि धनतेरस वाले दिन शुभ मुहूर्त देखकर बाजार से पीली और काली दोनों तरह की हल्दी लेकर आनी है और इस हल्दी को कोरे कपड़े में रखकर अपने पूजा घर में स्थापित करें और प्रतिदिन विधि विधान से इसकी पूजा करें। ऐसा करने से आपके घर में अपार धन समृद्धि और संपत्ति का आगमन होगा। माता लक्ष्मी जी आपके ऊपर अति प्रसन्न रहेगी। चलिए बात कर लेते हैं धनतेरस के बाद अगली यानी कि अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है धनु राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ये यो भा भी भू
ध फ ढ और बे से शुरू होता है उनकी धनु राशि होती है। धनु राशि वाले लोगों के लिए भी इस बार धनतेरस पर जो ये दिव्य राजयोग बन रहा है ना, लक्ष्मी नारायण राजयोग, यह आप लोगों के खर्चों पर लगाम लगाएगा। एक तो आपकी इनकम में शानदार बढ़ोतरी होगी, साथ ही धन की बचत करने में भी सफलता हासिल होगी। इस दौरान आप अपने पारिवारिक जीवन में अगर कोई भी उतार चढ़ाव बना हुआ था, चाहे दोस्तों पति पत्नी के बीच अनबन चल रही थी या माता पिता के बीच आपका बाउंडिंग नहीं बैठ पा रहा था, तो वो भी धीरे धीरे ठीक होगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दूर होगी, मानसिक तनाव से भी छुटकारा मिलेगा। कुल मिलाकर इस बार धनतेरस के बाद आप लोगों के जीवन में मंगल ही मंगल होने वाला है। आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो भी मजबूत रहेगी। जीवन साथी के साथ रोमांचक यात्रा पर जाने के योग बन रहे हैं। वैसे दोस्तों, अगर आपको अपने नाम की राशि के बारे में पता नहीं है तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, ताकि रिप्लाई में हमारे गुरुजी आपको आपकी राशि के बारे में जानकारी दे सके। तो इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय महालक्ष्मी, नमः।